दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक मंच G20 के लिए तैयार है। विदेशी मेहमान भी आज सुबह से आना शुरू हो गए हैं। इंडोनेशिया से लौटकर PM ने तैयारियों का सारा अपडेट लिया है और इस सबसे बड़े आयोजन के लिए दिल्ली आज सुबह से अभेद्य किले में तब्दील होने लगी है। चप्पे चप्पे पर नजर है। डिप्लोमेटिक एरिया में खासतौर पर TITO ने एंटी ड्रोन रडार लगाया है जो पल भर में किसी भी उड़ते हुए ऑब्जेक्ट के बारे में खबर दे देगा। इसकी पहुंच में काफी बड़ा इलाका होगा। सबसे कड़ी सुरक्षा आयोजन स्थल प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप से लेकर कर्तव्य पथ तक है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। नई दिल्ली इलाके के तमाम दूसरे इलाकों में भी सुरक्षा का लेवल सबसे ज्यादा है। दिल्ली पुलिस के हर बॉर्डर पर सुरक्षा का इंतजाम किया है। गुरुग्राम से लेकर गाजियाबाद और नोएडा के हर बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में भी सुरक्षा सख्त है। कनॉट प्लेस के आसपास आवाजाही काफी प्रतिबंधित कर दी गई है। हराने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। सड़क के साथ साथ यमुना नदी पर भी नजर है। यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। राजघाट के पीछे यमुना खादर के इलाकों में सेंट्रल दिल्ली की पेट्रोलिंग लगातार जारी है। इन इलाकों में बाइक और किसी दूसरी गाड़ियों से पेट्रोलिंग करना आसान नहीं, इसलिए ट्रैक्टर का सहारा लिया जा रहा है। राजघाट पर भी सभी स्वदेशी मेहमान आएंगे, इसको देखते हुए राजघाट के आसपास और चारों तरफ पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली के तमाम इलाकों में दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। संवेदनशील इलाकों में खासतौर पर पेट्रोलिंग की जा रही है। DCP नॉर्थ सागर सिंह कलसी खुद बुलेट पर बैठकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दिल्ली की जहांगीरपुरी, लाल किला, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलाका, आदर्श नगर, मॉडल टाउन समेत आउटर रिंग रोड के इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस से लेकर अर्धसैनिक बलों की मुस्तैदी देखकर यकीन से कहा जा सकता है कि ये बड़ा आयोजन पूरे सुरक्षा घेरे में बेहतर तरीके से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।